भारी देह देह के लगे चल पाले पतरी से बलाया सारे कोने का साया पड़ा रहा का उठा के पहल ले साया सा टठियो चोराए है जानो को मोख लाग है एक से अरे हम कही रहिया यही तेना के चार लोग चक या सारे काने बनी कुमारी ने तीन कुमारी मारा तेरी या बता कई दिन से भूखे हैं बाबू दो तीन रोज होएगा दो तीन रोज से मैं खाना नहीं पाए हाँ बाबू ने उतारा भगाए दीनी ऐसा है कि हुआ साफ सुथरा आदमी के खाना है उका साले मलिच्छी बन के जी हो तो हुआ तुमका कुर्सी बैठे दी है अरे या बताओ कुछ पढ़े लिखे हो हाँ बाबू पढ़े हैं दस बारह बोरा पढ़े हैं बाबू दस बारह बोरा पढ़े पांच छह खा रही नहीं पढ़े अरे पागल नहीं ना या भूख से पागल बाबू बहुत भूख लागे बाबू अच्छा ये कल चलो पहले यह गरीब आदमी है यार एक नौकरी लगवा दिन जाए बाबू बाबू नुकती हुए लिए तायो जो खाना बता कि नहीं पहले घर में देख अरे वही हमका तुमका कहां सारे के लेके पहुड़े का है अरे पहले खाना ला देख खाना बना कि नहीं कर किंतु बाबू बैठ जा बैठ जा मुका गली घाट मतरा पानी रहा कहनो नाला मना मर गयो हिया खाना तुमका मिले खाना खजुली ना आवे मुड़े के जुआ ना पी ना खाना मंगवावा तो कहे मरे जा सो देख 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 या आराम से खाए और देख और नौकरियो लगा जे पैसा कोड़ी तो का मिले कपड़ा लत्ता मिल जाए लेकिन अब ही भैया जो सुध सुध सो इधर सो Thank you.
करी तुम कहीं डाल लाया क्या पड़े
अब लाओ नहीं, मैं तुम्हें पेट भर के खाना खिलाऊंगा और मैं तुम्हें एक काम बताता हूं। ओ, कौन सा काम है महाराज? सबसे पहले ये बताओ, कुछ पढ़े लिखे हो? हाँ महाराज, मैं 12 क्लास तक पढ़ा हूँ महाराज। ठीक है, अगर तुम पढ़े लिखे हो तो मैं तुम्हें अमीर की नौकरी देता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ के किसान जो है वो माल गुजारी नहीं देते, और हमारे यहाँ कोई नौकर नहीं है। ये हमारे छोटे छोटे नौकर ये दरबार में देखे या कि बाहर देखे, इसलिए मुझे अमीर की जरूरत है, और आज से मैं तुम्हें अमीर की नौकरी देता हूँ। बहुत अच्छी बात है महाराज। दरबार ले जाओ उन्हें, पहले खाना खिलाओ और उसके बाद नहलाओ और अच्छे अच्छे खान कपड़े पहनाओ, और उनको अपना जो काम करना है वो काम उनको समझा दो। काम हमारे मालिक ने जो बताया है वो काम तुम्हारे समझ में कुछ आया? बाकी काम किसानों के यहाँ अटाना हमारा दोनों भाई का काम है। समझ गया। चलो पहले तो तुम नहाओ। गए जब नीम का साबुन धारा है बट्टी, वैसे पहले के पीठ रगड़े तो कसम। कबो तो पीठ रगड़े हुए अपने शरीर में। चलो कोई बात नहीं, अरे निर्मा हो चाहे उसरे का हो कोई बात नहीं। आओ आओ जाओ। सोहर होना चाहिए, क्यों नहीं? आओ भाई, आज भैया मेरा नाम ऊपर वाले ने इतना बड़ा कर दिया है कि कुछ कहने की ही बात नहीं। कह डालो जो कहना है। अरे पगली, कहने की बात ये कि आज तेरा भाई बहुत खुश है। आज इस खुशी में चाहे तो तुम मेरे प्राण को मांग सकती है और मैं निकाल के दे दूंगा। हाँ भैया, मैं जानती हूँ, लेकिन आज इस खुशी में सोहर जरूर होना चाहिए। खेल भैया, आज बढ़िया बढ़िया शोहर होगा। अच्छा, ये चंपा कली आ गई। हाय हाय, ए चंपा कली, क्या बात है? बढ़िया बढ़िया शोहर गायो। अच्छा, काहे से किया जमा? भैया बहुत खुश है। हाँ, ए क्या आई गोरे गोरे गाल में तो लाल का खिलाया है, गोरे गोरे Thank you.
दी। हाँ दादी उसकी ले बलिया, दादाजी ले जाने रे, दादी उसकी ले बलिया। गोरे गोरे दाल मते लाल का खिलाए, गोरे गोरे आ गोरे गोरे दाल मते लाल का खिलाए। जी उसकी ले बलिया बाबा सुबेदार रे, जी उसकी ले बलिया। आज उसकी ले बलिया बाबा सुबेदार रे, गोरे गोरे दाल बटे लाल का खिलाए, गोरे गोरे। गोरे गोरे गाल मते लाल का खिलाए, गोरे गोरे लाल का खिलावे। चाची उसकी ले बलिया चाचा जी ले दार रे, चाची उसकी ले बलिया, चाची उसकी ले बलिया चाचा जी ले दार रे। गोरे गोरे गाल मते लाल का खिलाए, गोरे गोरे। बुआ उसकी ले बलिया पापा जी ले दार रे, बुआ उसकी ले बलिया पापा जी ले दार रे। गोरे गोरे गाल मते लाल का खिलाए, गोरे गोरे गाल मते लाल का खिलाए, गोरे गोरे गाल मते लाल का खिलाए। नानी उसकी ले बलिया नाना सुबेदार रे, नानी उसकी नानी उसकी ले बलिया नाना जिलादार रे। गोरे गोरे गाल मते लाल का, गोरे गोरे गाल मते लाल का खिलाए। भैया मैं थकने वाली नहीं हूँ ना थकूंगी, अब मैं जा रही हूँ, आज अपने घर जाऊंगी और कहाँ जाऊंगी। अच्छा कोई बात नहीं, चंपा कली शुरू हो जाओ, जाने दो दादा दूर नहीं हूँ। कहाँ तक कर जाओ भैया? हाँ भैया मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और भैया मेरी आपसे
में नसीहत मिल गया। हाँ भैया, क्योंकि अगर मेरा पति देखेगा मेरे मुन्ने को बहुत खुश हो जाएगा। अरे वाह वाह, हाँ भैया, वाह बहन वाह, अच्छा नसीहत तुमने बताया है। जब तक तुम्हारा कोई नहीं था, तब तक तुम्हारा भाई ये मौजूद था। आज जब तुम्हारे गोद में तुम्हारा बेटा पल रहा है और तुम्हारा साया मजबूत हो रहा है, तो आज तुम्हें अपने पति के याद आई है ना भैया। पति पति होता है। और पहली न भेजू भाई से सेना पति के भांजे, आज से मेरा दामन छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। लेकिन भैया आपके साथ रहेगा ये भी चोर डाकू बनेगा। बस यही सोच के लिए तू चिंता करती। अरे मैं चोर डाकू था, लेकिन ये अपने भांजे को एक ऐसा इंसान बनाएंगे कि दुनिया में एक दिन मेरा नाम रोशन होगा। ठीक है भैया, अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले नंबर ये बताइए, किसका नाम क्या रखा जाए? यही तो हम भूले हैं। हाँ भैया, किसका नाम क्या रखा जाए? अगर हम रख दे तो कहीं आपको इतराज तो नहीं होगा? नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे हाँ भाई, आपको इतराज नहीं होगा? इतराज का उसने आप कह दिए कि हमारे बेटे को हमारे पति के पास भेज दो। नहीं, अगर हम कहीं नाम धर दे भैया तो हो सकता है उस पे आपको इतराज हो जाए। नहीं नहीं, आप नाम रखिए। तो आज से हमारा मन कहता है किसका, आज से अनिल कुमार नाम रहेगा। वाह, क्या कहने की बात है, तुमने बिल्कुल एकदम चुनकर नाम रखा भैया। और तो फिर भांजा किसका है? बहुत प्यारा नाम है। अरे पगली, चल समय हो रहा है और फिर काम भी जाना है। ठीक है भैया, आजा चल। छह किलो माटी वही खरीदिया। अब आज
नीम का साबुन ना हो तेरे सारे का शरीर का मैल न। अरे देखे तो है कहूं तेरा बना रहा मलिछ मलिछ वही ना आए देखे कौन इतना कहे। दिमाग सही कर दूंगा ना लायक कहीं का। बुलाए गए जमीन पर परिया परिया डियंगा तो रह जाओ। शांत हो जाओ। ये बोलने का मेरा तरीका है समझा। और ये तो हम जानते हैं आप लोगों ने मेरे साथ बहुत बड़ी मदद किया। अगर भाई अगर कुछ ना आपको उठाते ना हाँ तो इसलिए हम आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। आया ये बताइएगा तो महाराज ने मेरे लिए ऑर्डर किया था किसानों से माल गुजारी जमा कर वसूल करके जमा करना है गोदाम में और रजिस्टर लेकर के आओ मेरे पास लेकर के आओ जल्दी। यहाँ के किसान है अच्छी भैया पानी बहुत ज्यादा गिर। अच्छा तो वही पानी वहाँ सब साग सब्जी में है परेशान। गए दो चार जने के घर निकल किसान सब हाथ जोड़े लगे कहीं की भैया कहाँ से दिन जा कहा साग सब्जी लाए कहा तुमका दे। हम सब कुछ मानते हैं लेकिन जब हमारे साथ चलेगा ना पॉलिसी नहीं करना पानी की। और कहा हुआ जहाज ले जहाज की बात नहीं करता हूँ मुझे रुपया चाहिए महाराज का गोदाम में जमा करना है। हम गांव बता देंगे घर बता देंगे माल गुजारी वसूल करना ये तुम्हारा काम क्यों आएगा। खाता कहाँ है खाता जो बह गया तो कर्जा खत्म हो गया। महाराज ने मुझे बताया इलेमारी में वो खाता रखा हुआ है लेकर क्या आप लोगों के जरिए किसान माल गुजारी नहीं देते। जब तुम लोग इतनी बात मुझसे कहते हो देखो कौन कौन इंसान महाराज का लगान नहीं दिया। कर्जा इसके 3,000 3 9 दु दु की एक अधन्ना अधन्ना तक नहीं दिया। एक पैसा नहीं। आगे देखो ये क्या है ये छीटू 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 बाप का नाम छीटू इसके नाम है छीटू बाप का नाम है घसीटू। ये कहां का है ये 5,000 5 9 दु दु की एक अधन्ना। अच्छा अरे देख तो पूरा किसान का किसान बंद करो खाते को बंद करो और मेरे साथ आओ। हम देखते हैं कि महाराज का लगान हराम चाहते कैसे नहीं देते हैं। आओ हमारे साथ देखो गिरे हो चाहे ना गिरे हो या मनबो तो ना करे महाराज का हुकुम है और जाए जरूर या बताओ तो हमें हुआ तो नहीं ना हुआ। नहीं वो तो आज 5-6 दिन में नहीं रे चली गए नहीं रे चली गए। और वो जवान ये कई गांव वाली वो एक तो सब हैं वे हैं बचाए रहिस नहीं हम जिम्मेदार नहीं कई बूढ़ा का देख ले मेरे गांव के बूढ़ा जवान है वे वे आओ मिला।
मुझे सयाना हो गया है और स्कूल से आया या नहीं आया हमें पता करना होगा। सेरा मेरा भांजे अनिल कॉलेज से वापस आया या नहीं आया बाबा जी, मैं आपसे नमस्ते करता हूं और बाबा आज मैं इतनी जल्दी में आपके पास आया हूं कि एक तमन्ना मेरे दिल में उभर आई है और हम सोचते हैं कि वो बात आज अपने बाबा जी से बताएंगे। अरे मां